नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। रक्त अर्पण सेवा संस्थान मुरार द्वारा मास्टर रौनक की 14वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। थैलेसीमिया से पीड़ित जरूरतमंद बच्चों हेतु रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। करण नागरानी ने 116वीं बार किया रक्तदान, प्रस्तुत की मिसाल। जेएच ब्लड बैंक के डॉक्टर रवि भगत के साथ मेडिकल टीम के सदस्य रहे मौजूद। शिविर में शहर के अन्य समाज सेवियों का भी मिला भरपूर सहयोग। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। जी हां, रक्त अर्पण सेवा संस्था मुरार द्वारा मास्टर रौनक की 14वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त अर्पण सेवा संस्था के संचालक किरण नागरानी ने आज 116वीं बार रक्तदान कर समाज में मिसाल प्रस्तुत की। रक्तदान शिविर के माध्यम से थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद की जाएगी। आपको बता दें, ऐसे कई जरूरतमंद बच्चे होते हैं जिन्हें 15 दिन में ब्लड की आवश्यकता होती है। इंडिया खबर लाइव टीम ने आयोजक और जीएच ब्लड बैंक की टीम से की विशेष चर्चा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आज ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम श्रीमती किरण नागरानी है। आज मेरे बेटे की 14वीं पुण्यतिथि है। मेरे बेटे को थैलेसीमिया हो गया था, इस कारण वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो हम हर वर्ष उसके याद करने के लिए ये शिविर लगाते हैं। मैं उसकी याद में अपनी इस लाइफ में 116वीं बार ब्लड डोनेट किया है मैंने, और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति जागरूक होए ब्लड डोनेट के लिए। ब्लड डोनेट के बिना कोई भी जीवन में दान नहीं है। और शादी के पहले भी और शादी के बाद भी थैलेसीमिया की जांच करवाना ज़रूरी होता है, जिससे कि आने वाले समय में एक भी थैलेसीमिया बच्चा जन्म न ले, क्योंकि इसकी पीड़ा में उससे ज़्यादा शायद कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए आपके साथ में कौन कौन सी संस्थाएं सहयोग? मेरे साथ में रक्त अर्पण संस्था मेरी संस्था है, और एक लश्कर की भी है, वो भी रक्त अर्पण संस्था है। हरीश थोरानी, निर्मल भाई, जेएच की टीम है मेरी पूरी साथ में, धीरज दुसेजा और धीरज दयानी, और अपने लक्ष्मण चौधरी है, पवन असीजा है, डिग्गी सेंगर है, हमारे भाई साहब बिच्छू तोमर जी हैं। इन लोगों का मेरे को पूरा सहयोग मिलता रहता है। राकेश घावरी जी हैं। जब भी रात को 2 बजे 3 बजे जब भी मेरे पास किसी का फ़ोन आता है ब्लड के लिए, तो मैंने आज तक किसी को निराश नहीं होने दिया। मैं कहीं ना कहीं से उनकी व्यवस्था करवा देती हूँ। अभी तक आप कितने लोगों की मदद कर चुकी हो? मैं मदद के लिए तो फिर कोई गिनती नहीं है, हजारों की तादाद में हो गए होंगे मेरे हाथ से। आप तो जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान को लेकर? मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि रक्तदान करने से कभी भी लोगों की जो एक फीलिंग होती है कि कमजोरी आती है, कभी कमजोरी नहीं आती है, जबकि बल्कि नया ब्लड बनता है। मैं आज 52 ईयर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं एज मेरी। मैं अपनी रूटीन में आज तक कोई एक टैबलेट नहीं है मेरी कि मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ। मैं सुबह से रात तक कोई मेडिसिन नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई थायराइड शुगर कुछ भी नहीं है। ब्लड नया बनता है तो कोई रोग नहीं आता है मेरे को। आपने इंडिया खबर लाइव से बात की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रवि भगत हूँ, मैं गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ब्लड बैंक से आया हूँ, और यहाँ रक्त अर्पण समिति का रक्तदान शिविर है, उसके उपलक्ष्य में ये हर साल होता है। ये मैडम करवाती हैं, बहुत ही नेक कार्य है और बहुत ही अच्छे ढंग से करवाती हैं। मतलब सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, स्टाफ भी खुश रहता है, डोनर भी खुश रहते हैं, सब खुश रहते हैं। बहुत अच्छा आयोजन होता है। डॉक्टर साहब, रक्तदान को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं, उनके बारे में कुछ आप स्पष्ट करें। जी बिल्कुल। रक्तदान को लेकर कई लोग डरे हुए होते हैं, रक्तदान से कमजोरी आती है, रक्तदान से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मानव दिमाग का वहम रहता है कि जैसे एक्सीडेंट होता है, खून बह जाता है, तो उनको लगता है कि मृत्यु हो जाती है। तो उन्हें ये भी लगता है कि अगर हमारे शरीर से ब्लड निकाल लिया जाएगा, रक्त निकाल लिया जाएगा, तो कमजोरी आ जाएगी। ये वहम रहता है। साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए तो बहुत अच्छा होता है ब्लड देना, अभी मैडम ने बताया आपको जैसे। और सबसे बड़ी बात है, जब हम रक्तदान करते हैं तो इससे बड़ा दान कोई है ही नहीं, है ना। किसी दान से अगर आप जिंदगियां बचा सकते हैं, और हमारे यहाँ ऐसी तकनीक आ गई है कि एक रक्त से हम 4 जिंदगियां बचा सकते हैं।
उसको चार कंपोनेंट में निकाल के। अभी तक डॉक्टर साहब आपका जो ब्लड बैंक है वो कितने शिविर आयोजित कर चुका है शहर के अंदर और आसपास के क्षेत्र के अंदर? नहीं एग्जैक्टली डेटा तो मुझे नहीं है, रजिस्टर में देखना पड़ेगा, बस काफ़ी हो गया है, प्रति हर महीने 2-3 हो जाते हैं। मतलब अभी आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग जागरूक हैं रक्तदान को लेके करने के लिए? जागरूक तो है लेकिन कमी है, अभी काफ़ी कमी है। किस प्रकार से जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है? ये जागरूकता सरकारी स्तर पे किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा, जैसे वैक्सीनेशन के लिए इतना प्रमोट किया जा रहा है, वैसे रक्तदान के लिए भी नेशनल स्तर पे हर टीवी न्यूज़ चैनल हर जगह प्रेरित करना चाहिए, स्कूलों में सबसे ज़्यादा जो 18 साल के बच्चे होने वाले रहते हैं उनको प्रेरित करना चाहिए। अगर 18 साल में कोई कर दे तो फिर वो जीवन भर के लिए, पहली बार का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो सब जानना चाहूँगा, जो अभी हमने कुछ समय पहले एक माहौल देखा है, हाँ, जिसे हम कहेंगे कोरोना का कोरोना लहर, बिल्कुल, क्योंकि सेकेंड हम निकाल चुके हैं और थर्ड में आने की आशंका है, अचानक प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ये क्या कारण रहा इसका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नई महामारी थी तो इलाज की कमी थी, काफ़ी रिसर्च में काफ़ी टाइम लग जाता है वायरस के रिसर्च में, तो जब भी नई बीमारी आती है तो प्लाज्मा थेरेपी को इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप क्या कहेंगे प्लाज्मा थेरेपी? अभी नहीं, अभी ICMR ने मना लगभग मना कर दिया है, तो कोई इसका बिल्कुल 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 उतनी इफेक्टिव नहीं है। जब उससे मरीजों की हेल्थ में सुधार का ऐसा कुछ गुंजाइश कम हो रहा है तो हटा दी जाती है, उससे अच्छे इलाज हैं हमारे पास वो इस्तेमाल में किए जाते हैं। थोड़ा सा मैं व्यू आपका जानना चाहूँगा, तीसरी लहर जो आशंका है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए तीसरी लहर के तो चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं आ सकती है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, त्रासदी रोकने का यही तरीका है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है आपको, मास्क पहनना है, और सरकार लॉकडाउन जब लगाती है तो लॉकडाउन का पूरी शिद्दत से पालन होना चाहिए, तो बस यही है, काफ़ी हद तक मतलब रोकी जा सकती है तीसरी लहर। सर इस वक्त अभी जो शिविर में आप यहाँ पर आए हुए हैं कितने सदस्य इस वक्त आपके साथ में मौजूद हैं? करीब 10 सदस्य हैं, करीब 10 सदस्य की टीम। जी जी, तो यदि कोई आपने NGO के माध्यम से संस्था के माध्यम से आपको बुलाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ब्लड बैंक में संपर्क करना पड़ेगा, एक आवेदन देना पड़ेगा आपको। ब्लड बैंक के लिए कहाँ जाना होगा? ये गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ब्लड बैंक रक्त कोच है। ठीक है ठीक है, वहाँ जाइए आप, वहाँ हमसे बात करिए, डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं वहाँ, एक बस आवेदन दे दीजिए आप, आवेदन जमा। हाँ, और क्या जानकारी भरना होगी? उसमें जानकारी नहीं, जस्ट कि हम रक्तदान कराना चाहते हैं, यहाँ यहाँ जगह है और इतने यूनिट का ब्लड है, तो हमें सामान लाना पड़ता है, उसके हिसाब से स्टाफ हम करते हैं। कितने समय पूर्व आपको ये सूचना देना होती है? ये अगर 48 घंटे पहले दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी 24 घंटे में भी हो जाता है, फिर भी बेटर है 3 दिन पहले बता दें तो और अच्छा है। हमें सरकारी अस्पताल में भी काम करना रहता है, तो वहाँ का काम वहाँ के काम में हाँ असर ना पड़े ये भी देखना रहता है, मरीजों की जान भी उतनी कीमती है जितनी रक्तदाताओं के रक्तदान है, दोनों का बैलेंस बनाना रहता है। आप इंडिया खबर लाइव के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज का जो शिविर है इसके माध्यम से भी? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना काल में बच के रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो जो डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए, और सबसे बड़ी बात है रक्तदान के लिए हिचकिचाइए नहीं, एकदम आगे बढ़ के रक्तदान करिए, बहुत सारे दान होते हैं लेकिन रक्तदान सबसे अच्छा दान है, शायद भगवान सबसे ज़्यादा पुण्य इसी में देते हैं देंगे शायद। डॉक्टर आपने इंडिया खबर लाइव से बात की, इसलिए आपका बहुत बहुत जी जी जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अजय तिवारी है और काउंसलर की पोस्ट पर हूँ सर ब्लड बैंक में पता। अच्छा जी सर, तो जैसे कोई रक्तदान करने यहाँ पर आ रहे हैं तो आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं रजिस्टर लेके थोड़ा बताएं? सबसे पहले सर रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग डोनर का। ओके ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग उसको ब्लीड करने के लिए पहुंचा देते हैं। भैया आए हैं जी सर, आए हैं तो अब इनकी आप एंट्री करेंगे, काउंसलिंग करके इनकी सबसे पहले काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद अगर ये फिट हैं तो रजिस्ट्रेशन करके इनको ब्लीड के लिए। काउंसलिंग में आप कौन कौन से सवाल पूछते हैं? काउंसलिंग में सर मेन जो चीज़ें रहती हैं अपना, जैसे अभी वैक्सीनेशन का चल रहा है, वैक्सीनेशन तो नहीं हुआ, 15 दिन का उसमें रखा हुआ है, 15 दिन बाद ही डोनेट कर सकते हैं, अभी ब्रेकफास्ट लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, कोई मेजर कोई डिसीज तो नहीं है, ये मेन जो चीज़ें हैं वो कुछ। तो बिना काउंसलिंग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बिना कोई भी आगे बिल्कुल 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 सर, इसके भी डिसएडवांटेज संभव है, मतलब चक्कर आ सकता है, परेशानी हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, जैसे अभी कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है या लंच करके आ गया, ज़्यादा खाना खा के आ गया है तो वोमिटिंग हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें। अच्छा, कोई पुरानी बीमारी होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं? हाँ बिल्कुल सर, कोई मेजर डिसीज तो नहीं है, उसका टाइम रहता है, जैसे 1 ईयर का है, कोई मेजर डिसीज, ब्लड तो नहीं लगा है जैसे पहले, ये सारी चीज़ें पूछनी रहती हैं। चलिए आप अपना प्रोसेस कीजिए सर। हाँ सर,
एलन मिश्रा जी। आपने सर दिया है पहले ब्लड? हाँ, कई बार दे चुका हूँ। लास्ट टाइम 3 महीने हो चुके हैं आपको? ये साल के लगभग। अच्छा, वैक्सीन आपको लगी नहीं? लगी, दोनों लगी। सेकेंड डोज आपको 15 दिन हो गए लगे हुए? ये 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने हो गए। आप नाश्ता वगैरह करके आए हैं? जी, खाने वगैरह। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह? हाँ, बीपी लो रहता है कभी कभी, अभी नहीं है। तो आप क्या उसका ले रहे हैं, कोई मेडिसिन वगैरह? कुछ नहीं सर। बीपी लो है इसका, लो वालों का बीपी लो रहता है, और आप मेडिसिन वगैरह भी नहीं ले रहे हैं बस? तो फिर कभी कभार रहता है, बाकी नहीं। हाँ, कैसी है ना? हाँ, एक और इनका बीपी वगैरह चेक कर लेते हैं। तो अभी से आपसे बात की तो इनका बीपी? हाँ, बीपी इन्होंने बताया, बीपी लो रहता है, तो अपन लोग इनका पहले बीपी चेक करेंगे, और उसके बाद अगर ये बीपी सही आता है तो अपन इनको। नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम पवन असीजा है। पवन जी, आप कौन सी बार रक्तदान कर रहे हैं लगभग? जी, लगभग मैं कर रहा हूँ 8वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ। आपको रक्तदान की प्रेरणा कहाँ से मिली? रक्तदान की प्रेरणा मेरी मामी जी से मिली है। ये मेरी मामी जी हैं, इन्होंने मेरे को आगे प्रेरित किया है कि रक्तदान करना चाहिए, और ये बहुत बड़ा दान है। जब आप फर्स्ट टाइम रक्तदान किए थे तो क्या आपको डर लग रहा था? जी बिल्कुल, बहुत डर लग रहा था मेरे को, कैसा होगा क्या होगा, लेकिन एक बार डर जरूर लगा, लेकिन आगे के लिए हम तैयार रहे। उसके अलावा मैंने अपने कई साथियों को भी प्रेरित किया इसके लिए, और हमारी एक टीम भी है पिंटू पारक के साथ, हमारे अजय तोमर जी के साथ एक टीम और है हमारी, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है हम इसके लिए आगे हैं। तो अभी आपको कई दर्शक देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप स्वयं एक युवा हैं। जी, मेरा यही मैसेज है कि ये, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा रक्तदान, मतलब रक्तदान जो है बहुत बड़ा दान है, और इसको करना चाहिए, जिससे कई लोगों को, जिसको जो रक्त के लिए परेशान है उनको भी मिलता है, और हमेशा इसको करना चाहिए। कितनी बार किया? लेकिन काफ़ी बार किया जी, और हमेशा तैयार रहते, तत्पर रहते, किसी को भी ज़रूरत है आप आधी रात को फोन करेंगे तो हम पहुँचेंगे। लगभग कितने लोगों की मदद कर चुके हैं आप रक्तदान करके? अंदाज नहीं है, मान लीजिए काफ़ी लोगों की। कितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं शहर से? शहर से नहीं जुड़े तो किसी से नहीं है, लेकिन हाँ ये है, अपने सबके बीच में जिसको भी ज़रूरत पड़ती है उनसे कह रखा है, भाई किसी को अगर है ज़रूरत तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहती है। फर्स्ट टाइम आपने जब रक्तदान किया तो थोड़ा डर लगा था? नहीं, डर नहीं जी। घर वाले जो थे वो सपोर्ट किए थे कि रक्तदान करने जाइए नहीं जाइए? नहीं, वो नहीं, उन्हें थोड़ा वो लोग डरते हैं। लेकिन आपकी खुद की हिम्मत है ये कहीं ना कहीं जी। अभी आपको जो दर्शक या युवा देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश है कि समाज सेवा जुड़े रहे, और ये इससे कोई ना तो दिक्कत आती है ना किसी प्रकार का कोई वो रहता है। पहली बार देने में भले आपको लगे, मुझे तो नहीं लगा था, लेकिन हो सकता है नए को लगे, वैसे इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार को, आदमी को ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। जी, कृष्णा शर्मा मेरा नाम है, और मैं 5वीं बार रक्तदान किया है मैंने। ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मुझे अपने हस्बैंड से मिली थी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान की जान बचाई थी कि शायद वो ब्लड नहीं देते तो जान नहीं बचती किसी की। हाँ जी, इमरजेंसी में किसी की जी जी, जी। और अनजान आदमी था जिसके लिए किया था, तो उसको देने के बाद जो सुकून महसूस हुआ हम दोनों को, तो लगा कि इससे बड़ा हम दान किसी को कुछ नहीं दे सकते। पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने शरीर से जो रक्त देते हैं किसी को, वो यकीनन जीवन दान देता है। तो उसी से दूसरा, उसके बाद में फिर प्रेरणा और ज़्यादा, उससे आगे फिर मेरी भाभी हैं, ये इनसे मिली मेरे को। शहर के और भी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं जो रक्तदान के लिए? नहीं, अभी मैं अगर भाभी की उससे जुड़ी हूँ, बाकी इसके अलावा जैसे बिड़ला हॉस्पिटल में कभी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे सतीश जी हैं जो डायरेक्टर हैं, उनसे मेरा रहता है। भविष्य में भी रक्तदान की आवश्यकता के लिए तैयार है मानसिक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से, मैं भी, मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी।
मतलब पूरा परिवार आपको सपोर्ट करता है? जी पूरा परिवार। आपके सदस्यों ने भी रक्तदान किया है आपके अलावा? मेरे हस्बैंड करते हैं, शिविर में भी कर चुके हैं दो बार, और बेटियों ने यहाँ तो नहीं किया लेकिन बिड़ला में कर चुके हैं बेटियों ने। नहीं, तीन बार मेरी में, दो बार मेरी में शिविर में किया है। दो बार मेरे शिविर में भी किया है भाई साहब ने। हाँ, वो यहाँ कर चुके हैं। चलिए, यानी पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं रक्तदान को लेकर बहुत ही जागरूक है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक मिसाल है, परिवार भी कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहा है पूरे समाज शहर को।